हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल बीनास क्रिएशन में। मैं हूं बीना और आज मैं लेकर आई हूं समर स्पेशल रेसिपी, ट्रेंडिंग रेसिपी। तो आज मैं बनाने जा रही हूं छुंदे की रेसिपी। तो अक्सर ये गर्मियों की सीजन में बनाया जाता है, कच्चे आम से बनाया जाता है और इसे बनाकर 12 महीने के लिए हम स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो परफेक्ट नाप के साथ इसे कैसे बनाया जाता है, चलिए दोस्तों देख लेते हैं रेसिपी में। तो फ्रेंड्स, छुंदा बनाने के लिए हमें यहाँ पर ज़रूरत है कच्ची केरी की। तो करीबन 1 किलो जितनी मैंने यहाँ पर ले ली है कच्ची केरी। तो आप कोई भी कच्ची केरी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर देसी आम लिए हुए हैं, देसी कच्ची केरी ली हुई है। इसकी जगह आप राजापुरी केरी आती है वो भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो केरियों को धो डालना है, उसके बाद उसके छिलके हटा देने हैं और एक ऐसा स्लाइसर ले लेना है जिसमें बड़े वाले डॉट होते हैं ना, उसमें से हमें केरी को छीलना है। तो केरी के जितने भी बड़े बड़े लच्छे निकलेंगे ना दोस्तों, वो बहुत ही मज़ेदार लगेंगे खाने में। तो इसी तरीके से हमें सारी केरियों को छील लेना है और उसमें जो गुठली का भाग होता है उसे हमें नहीं छीलना है, हटा देना है। तो यहाँ पर मैंने सारी केरी को छील लिया है और आप देख सकते हैं कि एकदम बड़े बड़े लच्छे इसके निकले हैं। इसमें हम नमक ऐड कर देंगे, तो नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से ऐड कर दें। मैंने यहाँ पर करीबन 1 केजी जितनी केरी ली है, उसमें से छिलके निकल गई, गुठलियाँ निकल गई, तो थोड़ी क्वांटिटी जो है वो कम हो गई है, तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ पर नमक का यूज़ किया है। तो यहाँ पर अगर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा हो तो ज़्यादा नमक लें और नमक वाला जो पानी है वो निकाल डालें। अगर आपको रसा पसंद है छुंदे में तो आप ये पानी बिल्कुल भी ना निकालें, ऐसे ही रख दें। मुझे थोड़ा कम रसे वाला पसंद है तो मैंने इसका थोड़ा बहुत पानी जो है वो निकाल दिया है। अगर आप थोड़ा बहुत पानी रख देते हैं तो आपका जो छुंदा है वो साल भर के लिए बिल्कुल ख़राब नहीं होगा दोस्तों, तो ये चीज़ का आप ज़रूर से ध्यान रखिएगा। अब मैंने छुंदे को ले लिया है एक पतीली में और ये जो केरी का पानी बचा है उससे आप स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो अब हम यहाँ पर छुंदे में ऐड करेंगे चीनी। तो 1 केजी मैंने यहाँ पर कच्ची केरियाँ ली थी, उसमें से छिलके निकल गए, गुठलियाँ निकल गई। उसके बाद मैंने इसका नाप किया तो करीबन 1.25 किलो जितनी ये केरियाँ हो रही है, यानी कि छुंदा हो रहा है। तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पर करीबन 1 केजी जितनी चीनी यूज़ की है। तो ये एकदम से परफेक्ट नाप है। अगर 1 किलो आपका छुंदा होता है तो आप 1.25 किलो चीनी भी डाल सकते हैं। तो इसका जो टेस्ट है ना दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार आएगा, ना एकदम से मीठा लगेगा और ना एकदम से कम मीठा लगेगा। तो ये परफेक्ट नाप है, इसी तरीके से आप बनाइएगा। तो यहाँ पर हमें चीनी को एकदम अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे 1-2 घंटे के लिए घर में ही रहने देना है, उसके बाद हम इसे सुखाएंगे धूप में। तो चीनी 1-2 घंटे में मेल्ट हो जाएगी, उसके बाद ही इसे धूप में रखना है। तो एक कपड़ा ढक देना है और इसे 1 वीक तक आपको धूप में रखना है और फिर रात में इसे घर में रख देना है। तो इसी तरीके से आपको 8 दिन तक ये प्रोसेस करनी है। अगर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा है तो ये प्रोसेस थोड़ी बढ़ा दें क्योंकि चीनी को मेल्ट होने में देर लगेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसे 8 दिन तक धूप में सुखाया था और चीनी जो है बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है। तो अब हम इसमें मिक्स करेंगे लाल मिर्च पाउडर। तो आप देख सकते हैं कि चीनी जो है वो एकदम मेल्ट हो चुकी है और हमारा छुंदा जो है बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने नमक पहले ही यूज़ किया था बहुत सारा, तो नमक इसमें थोड़ा बहुत ही कम लग रहा है। तो 1 टीस्पून जितना मैंने यहाँ पर इसमें नमक ऐड किया है। तो इसे मैं वापस से मिक्स कर लूँगी और अब मैं इसमें ऐड करूँगी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। तो इससे बहुत ही बढ़िया कलर आएगा छुंदे का, तो ज़रूर से कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का ऐड कीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर करीबन 1.5 टेबल स्पून जितना कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है और पीछे से मैंने 1/2 चम्मच तीखा पाउडर ऐड किया है। मुझे थोड़ा तीखा ज़्यादा पसंद है तो मैंने यहाँ पर तीखा पाउडर ऐड किया है, उससे जो टेस्ट है वो बैलेंस हो जाएगा और बहुत ही बढ़िया बनेगा आपका छुंदा। तो मिर्ची डालने के बाद हमें इसे एकदम अच्छे से मिक्स कर देना है। यहाँ पर आप मिर्ची की क्वांटिटी जो है वो बढ़ा सकते हैं। अगर आपको बहुत ही लाल चटाकेदार छुंदा पसंद है तो 2 टेबलस्पून जितनी आप इसमें मिर्ची ऐड कर दें। तो एकदम अच्छे से इसे मिक्स कर देना है और आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर इसे एकदम अच्छे से मिक्स कर लिया है और छुंदा बनकर बिल्कुल रेडी है। इसे हम बोतल में भरकर 12 महीने तक स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा।
और महीने में एक दो बार आपको इसे चला देना है ताकि आपका जो छुंदा है वो 12 महीने तक ऐसे ही सेफ रहे, बिल्कुल भी ख़राब ना हो। तो इसे मैंने कर लिया है एक डिश में सर्व। आप इसे थेपले के साथ खाइए, पराठे के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए, बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा आज का वीडियो मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। और अगर मेरा वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करके जाइएगा। और यही वीडियो अगर आप फेसबुक और इंस्टा पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर से कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई रेसिपी के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।